नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी से जब पूछा गया कि कैबिनेट बैठक के दौरान प्रद्युमन सिंह तोमर और मुख्यमंत्री के बीच में बहस हुई थी, इस पर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैबिनेट की बैठक में विचार विमर्श होता है, मुख्यमंत्री और मंत्री आपस में बातचीत करते हैं और जो भी मुद्दे आते हैं उन पर सुझाव दिए जाते हैं और प्रस्ताव पास हो जाता है। कैबिनेट के अलावा भी हमारी अन्य मीटिंग होती है और उसमें भी हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि पीसीसी अध्यक्ष के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं, इस पर मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि पीसीसी अध्यक्ष चुनना हाईकमांड का काम है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो यह कांग्रेस के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि वह एक ऐसे लीडर हैं जिनकी पूरे मध्य प्रदेश की जनता में छवि अच्छी है और संगठन को मजबूती मिलेगी अगर वह मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैबिनेट मीटिंग होती है, मीटिंग में विचार विमर्श होता है, मुख्यमंत्री मंत्री जो भी मुद्दे आते हैं सब लोग बातचीत करते हैं, सब अपना अपना सुझाव देते हैं, जब सब लोग सहमत होते हैं और प्रस्ताव पास हो जाता है। कोई भी मीटिंग हो, कैबिनेट के अलावा अन्य भी हमारी कोई भी मीटिंग, सामाजिक मीटिंग भी होती है या कोई अधिकारियों के साथ होती है, जनप्रतिनिधियों के साथ होती है, कौन से विषय पे बातचीत नहीं, ऐसी कोई विशेष कोई बात नहीं है। वो तो जो मामला आप वहाँ पर विषय जो आते हैं उस पर आपस में बातचीत करते हैं, अब बातचीत करने में ऐसी कोई खास बात नहीं है। वहाँ ये तो नॉर्मल एक रूटीन प्रक्रिया है, आपस में बातचीत हम करते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।